अच्छा, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि मुकेश अंबानी आम भी बेचते हैं? मुकेश अंबानी के बिजनेस एम्पायर में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, टेलीकम्युनिकेशन, पॉलिएस्टर जैसी बड़ी बड़ी चीजों के साथ साथ आम भी शामिल है। अब यहाँ कुछ लोगों को इस पर विश्वास ना हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि क्या आपको पता है कि मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी, धीरूभाई अंबानी, लखीबाग, अमराई को एरिया के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा आम का बाग माना जाता है। इस बाग का एरिया करीब 600 एकड़ में फैला हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बाग में करीब 1.5 लाख आम के पेड़ मौजूद है। अब इन 1.5 लाख पेड़ों से कितना आम आता होगा, इसके बारे में तो आप सोच ही सकते हो। यहाँ आमों का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि यहाँ से ज्यादातर आमों को एक्सपोर्ट किया जाता है और पूरे वर्ल्ड में इसकी भरपूर डिमांड है। अब इतने आमों को एक्सपोर्ट करने से कितना प्रॉफिट होता होगा, ये भी हमारी सोच से बहुत ऊपर है। इससे पहले ये रिकॉर्ड अकबर के नाम था, क्योंकि अकबर ने 16वीं शताब्दी में बिहार के भागलपुर में आम के करीब 1 लाख पेड़ लगवाए थे और उसका नाम रखा था लखीबाग। और अंबानियों ने 1998 में यहाँ आमों का पेड़ लगवाना शुरू किया था और इन्होंने 600 एकड़ में 1.5 लाख आमों के पेड़ लगा दिए। जैसा आम का बाग आज यहाँ लोगों को दिखता है, असल में पहले ऐसा नहीं था। दरअसल यहाँ आम के बागों से पहले धीरूभाई अंबानी जी की एक रिफाइनरी हुआ करती थी, जिससे बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन होता था। इसके बाद सरकार ने इसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया और यहाँ भर भर के नोटिस भेजे, जिसके बाद धीरूभाई अंबानी के पास इसको बंद करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। और बाद में इस खाली पड़ी जमीन पर इन्होंने पेड़ लगवाने शुरू किए और करीब 1.5 लाख पेड़ लगा दिए। 2004 तक यहाँ के पेड़ पौधे पनप चुके थे और 2005 से यहाँ आमों का प्रोडक्शन शुरू हो गया और आज यहाँ के मैंगोज को एक्सपोर्ट करके मुकेश अंबानी को तगड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करो और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।